देश में चाहे किसी भी देवी शक्ति को मानने वाला कोई भी हो, मगर एक न एक दिन जानकर या अनजाने जरूर गुनगुनाया होगा मधुराधिपते मधुरम मधुरम। इस श्लोक के इस चरण में एक ही साथ मधुरा का बोध है, अर्थात राधा का बोध है, और मधुराधिपति मधुर कृष्ण का भी बोध है। आज कम से कम मेरे लिए इस श्लोक की पर्यायवाची पंक्ति स्वरूप देखने को मिली मधुर ब्रजभूषण। मधुरा भी है और मधुराधिपति ब्रजभूषण जी की पत्नी भी है। लोग काव्य को पलने में बैठकर पढ़ते हैं ऐसा तो सुना था, मगर रचना धर्मिता के पल्ले में दोस्ती शुरू होती है, हम नफसी और हम नवा तक पहुंच जाती है। उसका एक कुतुबी एहसास है मधुर जी। धरती पर सुंदरता जब इंसान बनकर उतरी तो उसे दुनिया ने मधुबाला कहकर पुकारा। एक बेपनाह खूबसूरत खातून, एक बेइंतहा मासूम दिल, एक बेहतरीन अदाकारा और एक बेमिसाल बेटी और बहन। हाँ, एक बेटी जिसने किसी भी बेटे से बढ़कर अपने पिता का सम्मान रखा, अपनी छोटी बहनों को प्यार और सुरक्षा दी। ऐसा हम ही नहीं, अपनी मधुर वाणी में कहती हैं श्रीमती मधुर ब्रजभूषण जी, जिनका मधुबाला से रूह का रिश्ता है। मधुबाला परिवार से जुड़ी होने के कारण, उनकी छोटी बहन होने के कारण उनका सम्मान करना प्रकारांतर से मधुबाला जी का ही सम्मान है और उस कौशल का सम्मान है जो उनके उनके अभिनय में दिखाई देता था। और उनकी कुछ यादगार फिल्में जैसे मुगले आजम और कई ऐसी थी जो कभी भुलाई नहीं जा सकती। तो हम बहुत बहुत उन्हें दोनों लोगों को बधाई भी देते हैं और इस चयन हेतु भी चिरागे लहर के सभी सदस्यों को बहुत बहुत साधुवाद देते हैं। वो अजीम शजर जिसे जमाना जनाब अताउल्ला खां के नाम से पुकारता था, मधुबाला उसी की सबसे हसीन डाली थी और मधुर सबसे लाडली। यूं तो मधुबाला जी कभी स्कूल नहीं गए, लेकिन अपनी बहनों को पढ़ाने का उन पर जुनून था। सो मधुर जी को सिनेमा की दुनिया से दूर शिक्षा की दुनिया में ही खिलने का अवसर दिया सिने वीनस ने। पढ़ाई के बाद शौकिया तौर पर मधुर जी ने अपनी मधुर वाणी का कलात्मक प्रयोग किया और एक स्वर कलाकार के रूप में श्री अमीन सयानी जी, जो एक प्रख्यात रेडियो निर्माता एवं प्रस्तुतकर्ता रहे हैं, उनके साथ बेहतरीन काम किया। साथ ही साथ स्वर कलाकार के रूप में मधुर जी ने कई विख्यात विज्ञापन एजेंसियों के साथ भी काम किया। स्वर को सुर का संग सुहाता है, ये तथ्य मधुर जी के जीवन का अंग बन गया और एक विख्यात सिने संगीतकार श्री ब्रजभूषण जी से उनका विवाह हो गया। ब्रज जी ने मधुर जी के नाम से ही एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो स्थापित किया है जिसका नाम मधुर ध्वनि है। आज जब मधुर जी अब द्वारा मधुबाला को श्रद्धा सुमन स्वरूप दिए जाने वाली उपाधि मधुबाला एलिगेंट ब्यूटी अवार्ड को स्वीकार कर रही हैं, तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये उपाधि वस्तुतः अपनी मंजिल अपने घर पहुंच गई। Yeah.
बनारस नगरी के खूबसूरत लोगों, मेरी नमस्ते आदाब। जिस खूबसूरती के साथ मेरी बहन को इन्होंने, उमा जी ने पेश किया, मैं शुक्रगुजार हूँ कि आज इतने सालों के बाद भी, ऑलमोस्ट इट इज़ 47 ईयर्स आई थिंक शी एक्सपायर्ड 1969 व्हेन शी वाज जस्ट 35 ईयर्स ओल्ड, आज भी उनको इस तरह से लोगों के दिलों में इन्होंने रोशन रखा है। इनकी मोहब्बत मेरी बहन के लिए इतनी ज़्यादा है कि कभी कभी मुझे लगता है कि क्या वाकई हम भी इतना ही चाहते हैं जितना ये चाहते हैं। क्या जब मैंने इनसे बात की तो जिस तरह से इन्होंने उनकी खूबसूरती की बयान, उनकी खूबसूरती को बयान किया और उनके बारे में कहा मुझसे, तो मुझे एक एक लफ्ज़ ऐसा लग रहा था कि ये कितना ज़्यादा उनको इज्जत देते हैं, कितना चाहते हैं और क्या क्या उनके बारे में सोच के रखा है। इसीलिए आज ये इतनी खूबसूरत फिल्म बनी मेरी बहन पर और पुरानी यादें सब ताज़ा करती। मेरी बहन सिर्फ एक खूबसूरत दिल ही नहीं थी या एक खूबसूरत सीरत ही नहीं थी, वो वाकई ही एक बहुत ही मासूम और भोली सी इंसान थी। क्या बात है, क्या बात। आप लोगों की मोहब्बत ने मुझे यहाँ तक बुलाया, इनकी मोहब्बत ने मुझे बुलाया। आज मैं बहुत खुश हूँ कि ज़िंदगी के इस मकाम पे, जब पता नहीं कल क्या हो मेरे साथ, कम से कम मैं इस लायक तो हूँ, इस काबिल तो हूँ कि अपनी बहन का ये अवार्ड यहाँ लेने आई हूँ। काश अल्लाह उनकी रूह को चैन और सुकून दे और उनको अपने पास भी उतना ही चैन दे जितना उन्होंने हम लोगों को दिया। हमारे लिए वो सिर्फ एक बहन नहीं, एक माँ थी, क्योंकि हम बहुत छोटे थे जब वो काम करती थी। हम लोग 10 बहन भाई हैं, 10, उसमें से मैं सबसे छोटी हूँ और मेरी बहन नंबर 5 है, इसलिए हम उन्हें मंजली आपा कहते थे, मंजली यानी बीच की। चलिए मैं ज़्यादा वक्त तो लूँगी नहीं, क्योंकि सभी कुछ तो लोगों ने कह दिया उनके बारे में और इस खूबसूरती से कहा है और इन्होंने, उमा जी ने जो कहा है, ये तो मैं याद अपने साथ लेकर जा रही हूँ। कभी ना भूलूंगी कि इतनी इज्जत, इतनी मोहब्बत मेरी बहन को मिली। अल्लाह उनको खुश रखे जहाँ भी हैं वो, और मुझे याद लगता है कि वो ज़रूर देख रही हम सबको और सोचती होंगी कि अल्लाह मुझे दुनिया से जाने के बाद भी ऐसे चाहने वाले लोग मिले हैं, ये बनारस की नगरी, आप जैसे खूबसूरत लोग हम सब के बीच में हैं और उनको याद कर रहे हैं, यही उनके लिए बहुत है। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ आप सबका। मैं दो बातें कहूँगा, एक तो कि मधुबाला जी को मैंने नहीं देखा, अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा, इसका मुझे बड़ा मलाल है, हमेशा से रहेगा, लेकिन इस वक्त ऐसा लग रहा है कि मधुबाला जी हमारे साथ खड़ी हैं, क्योंकि मधुर जी ना केवल उनकी बहन है सगी, बल्कि कमोबेश उन्हीं की तरह पूरा किरदार है, वैसे ही सोचती हैं, वैसे ही बातें करती हैं, वैसे ही मुस्कुराती हैं, वैसे ही जिंदा दिल हैं और उतनी ही ताकतवर पठान हैं, 70 साल की उम्र, लेकिन जिस तरह ये सीढ़ियाँ चढ़ रही थी, नदी की उतर रही थी, जैसे ये जितने इनमें जिंदा दिली है, इसको हमें सलाम करना चाहिए। और मैं चाहूँगा कि मधुर जी बनारस पहली बार आई हैं और एक बार आप सबको इन्हें खड़े होकर के ज़रूर इस वक्त सम्मान देना चाहिए, क्योंकि ये अवसर बार बार नहीं मिलने वाला। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि आज लता दीदी की छोटी बहन और मधुबाला की छोटी बहन दोनों लोग एक साथ हैं। लता जी ने और मधुबाला जी ने लगभग एक साथ करियर शुरू किया और एक ही साथ महल फिल्म से वो दुनिया पर छा गईं। और एक इत्तफाक देखिए कि आज चिरागे दैर और मधुबाला एलिगेंट ब्यूटी अवार्ड में एक इतिहास अपना पन्ना पलट रहा है, जब लता जी की सगी छोटी बहन उषा जी यहाँ है और मधुबाला जी की सगी छोटी बहन मधुर जी है। हमें इसका पूरा
एहतराम करना चाहिए और इज्जत करनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया मधुर जी, बहुत बहुत।